अगर आप रियलिस्टिक या लाइफ लाइक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ही कलर पेंसिल से पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप दो तीन कलर पेंसिल से ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आप करते क्या हो कि यूट्यूब पे जो रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स देखते हो तो उसको देख के आप तुरंत प्रैक्टिस करने लग जाते हो, जो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो कलर पेंसिल्स मैंने लिया है, तो कोई से भी ब्रांड का कलर पेंसिल आप ले सकते हो। तो उसके बाद आपको रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से देखना है, कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क है, यानी कि जो वैल्यू, तो उसको देख के आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल हैचिंग और क्रॉस हैचिंग को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको सिर्फ वैल्यू को ध्यान में रखना है, यानी कि लाइट एंड डार्क। तो यहाँ पे हेयर्स पे वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, एक बेस लेयर दिया है और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे मैं डार्क करके हैचिंग को यूज़ कर रहा हूँ। तो एकदम से आपको रियलिस्टिक पोर्ट्रेट पे नहीं जाना है, आपको ऐसे करके एक ही कलर पेंसिल से, मतलब कि जो मोनोक्रोमिक प्रैक्टिस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट किस डायरेक्शन पे है, तो उसी डायरेक्शन पे आपको पेंसिल को भी मूव करना है। ये जो फोरहेड का पोर्शन है, तो ऐसे आपको जो जो प्लेन्स है फेस पे, तो उस प्लेन्स के हिसाब से आपको उसी दिशा में या उसी डायरेक्शन पे आपको पेंसिल को मूव करना पड़ेगा, तब जाके जो वॉल्यूम है या जो थ्रीडीनेस है ये आप क्रिएट कर पाओगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइट एंड डार्क वही आपको सही करना है, सही मतलब कि प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते करते वो सही हो जाएगा। तो एक एक लेयर पे मैं कर रहा हूँ, यानी कि पहले मैं बेस लेयर दिया है, उसके बाद मैं सेकेंड लेयर को ऐड कर रहा हूँ, ऐसे करके चीज़ों को कर रहा हूँ। ये मोनोक्रोमेटिक प्रैक्टिस है, यानी कि एक ही कलर पेंसिल से आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा। तो इसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है बार बार, कि कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क है, और डिफरेंट एंगल से आपको पोर्ट्रेट बनाना है, बना के ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। जो रेफरेंस फ़ोटो आप ले रहे हो तो वहाँ पे तो बहुत सारे कलर्स होंगे, लेकिन आपका जो वैल्यू का जजमेंट है ये पहले आपको सुधारना पड़ेगा। उसके लिए आपको मोनोक्रोमेटिक प्रैक्टिस या मोनोक्रोम प्रैक्टिस जो भी कहो उसको आपको करना है। और ब्रांड पे मत जाओ, कोई सा भी ब्रांड का कलर पेंसिल आप ले सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे ये एक स्टडी के तौर पे है, तो आप डिफरेंट पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पहले आपको चीप पेंसिल से चीप पेपर पे आप काम करो। तो यहाँ पे सेकेंड पोर्ट्रेट पे जाते हैं, सेकेंड पोर्ट्रेट पे भी सेम चीज़ है, लेकिन जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ पे मैं पहले थोड़ा डार्क लाइन ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसे करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके बाद सेम जो हैचिंग क्रॉस हैचिंग है उसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप कलर पेंसिल्स पे पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओल्ड मैन के पोर्ट्रेट, मेल पोर्ट्रेट, फीमेल पोर्ट्रेट, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे दो लड़के के पोर्ट्रेट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आपको भी वैसे ही करना है, एक ही कलर पेंसिल से करना है, तब जाके जो आप लाइट एंड डार्क यानी कि जो वैल्यू का जो जजमेंट है वो इम्प्रूव होगा। होने के बाद आप दो तीन कलर से कैसे पोर्ट्रेट को प्रैक्टिस करना है उसको आप ट्राई करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन पहले आपको यही चीज़ कर लेना है, एक ही कलर पेंसिल से बार बार प्रैक्टिस करना है। जब थोड़ा बहुत आने लगेगा तब आप दो तीन कलर पेंसिल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले आपको लाइट एंड डार्क को देखना है, देखने के बाद उसी चीज़ को यहाँ पे, यानी कि जहाँ आप ड्रॉ किए हो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो कोई भी क्वेरीज रहे तो आप कमेंट्स पे बता सकते हैं, और उम्मीद करूँगा कि आप डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट लाइट सोर्स पे पोर्ट्रेट्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, डिफरेंट मीडियम्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट पे। तो बाय गाइस, राधे राधे।